ओम शांति। आप सदा संपन्न रहे, भरपूर रहे, आप सदा महादानी बने और आपके मस्तक पर परमात्मा की आशीर्वाद का सदा हाथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बहुत सुंदर गीत, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बहुत सुंदर गीत। सचमुच ये गीत हमें हमारे अंदर के एक विशेष गुण की ओर प्रेरित करता है। जस्ट सोचो, परमात्मा ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा? इतनी करोड़ों लोग इस धरती पर होते हुए भी जब परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है, माना मेरे अस्तित्व के कारण इस धरती पर कोई विशेष फर्क आना चाहिए इसलिए। और वो विशेष फर्क इस पूरे विश्व में कब आ सकता है? जब हम अपने अंदर एक बहुत सुंदर गुण, इसका प्रयोग बार बार करते हैं, और वो गुण है देना देना देना। प्रकृति भी देती रहती है, ये पांच तत्व देते रहते हैं, इसलिए तो हम उनको देवता कहते हैं। जब हम लेने के बजाय देना निस्वार्थ वृत्ति से, निमित्त भाव से जब हम इसको अपनाते हैं, तो उसकी खुशियां तो देखो, उसके परिणाम तो देखो। हम सभी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। शुभ भावनाएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मीठी सी मुस्कान, आपके दो मधुर शब्द, दूसरे का ध्यान रखना, उन्हें सम्मान देना, सत्कार करना, प्रशंसा करना, धन्यवाद देना, सहयोग देना, सपोर्ट करना, दूसरे को आगे बढ़ाना, हिम्मत देना, विश्वास बढ़ाना, उनके कलुषित मन को सकारात्मक बनाना, उन्हें मानसिक बल देना, मनोबल बढ़ाना, अपना समय उनको देना, उनके गुणों को आगे बढ़ाना, शक्तियों की पहचान उन्हें करा के देना, मन को शांत करना। ये कितने सारे गुण हैं, कितने सारे कार्य हैं, कितना कुछ दे सकते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाना, जब हम इस प्रकार से देते जाएंगे, रोज देते जाएंगे, सोचो इसकी खुशी कितनी हमें मिलती जाएगी। जो देता है वो खुश रहता है, जो बांटता रहता है वो संतुष्ट रहता है। तो देने से खुशियां बढ़ती है, देने से दुआएं मिलती हैं, देने से दुआओं के खजाने बढ़ते हैं, और देने से बरकत होती जाती है, बढ़ता जाता है। तो हमारी जीवन का एक ही लक्ष्य हो, जब मुझे परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है कोई ना कोई विशेष कार्य करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं अपनी पहचान बनाऊं देकर बांटकर। बस मुझे लेना है, ये संकल्प छोड़कर आज से मुझे सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना। और कब तक? रोज, कंटिन्यूअसली। और फिर देखो, जीवन खुशियों से भर जाएगा।
हैप्पी डे।